तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिप ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं दूसरे किसी का कॉल आप अपने मोबाइल में कैसे सुन सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये काम गलत काम के लिए नहीं यूज कीजिएगा, सही काम के लिए ही यूज कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो सबसे पहले हमें करना होगा कि जिसका मोबाइल का कॉल सुनना है उसका मोबाइल 2 मिनट के लिए अपने पास ले लेना है। उसके बाद 2 मिनट के लेने के बाद हमें उसके डायलर में आना है। डायलर में आने के बाद हमें कुछ कोड टाइप करने हैं, तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ वो कोड कौन से हैं। तो हमारे कोड हैं 4 0 1 और जिनका नंबर पर आप सुनना चाहते हैं उस नंबर पे आप उसका नंबर टाइप करेंगे। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ टाइप। तो नंबर टाइप करने के बाद हमें सीधे डायल कर देना है इस वाले नंबर को। ये मैं जल्दी से डायल कर देता हूँ। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है। बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग इज नाउ एक्टिव ऑन योर नंबर। तो देख सकते हैं गाइज, मेरा नंबर एक्टिवेट हो चुका है। तो मेरा नंबर एक्टिवेट हो चुका है। हम जिस नंबर पे कॉल करेंगे, मैं जिस नंबर दाबा हूँ उस पे कॉल जाएगा। अगर आप इस पे कॉल करेंगे तो वो कॉल जिस नंबर पे हमने दाबा है उस पे चला जाएगा। तो अगर आपके कोई मालूम चल गया किसी को ये है तो हम इसे हटा सकते हैं। डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं तो मैं उसके बाद भी आपको बता दे रहा हूँ कि हम कैसे इसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो फिर से उसी का मोबाइल ले लेना है और उसके बाद हमें टाइप करना है 4 0 2। इसके बाद 4 0 2 करने के बाद हमें इसको डायल कर देना है। तो मैं कर लेता हूँ डायल। कर दे रहा हूँ 4 0 2। उसके बाद डायल करूँगा। तो हमारा नंबर डीएक्टिवेट हो चुका है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही कुछ नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो चुके। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो गुड बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।